हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं अंकुश कुमार शर्मा फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ। आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वापस से मैंने मार्कर उठा लिया है, और ये मार्कर उठाना पेलिंग लाइन सिकंदर ने अपना तलवार उठा लिया है, पृथ्वीराज चौहान ने अपना तलवार उठा लिया है, तो ऐसा फीलिंग आ रहा है। ठीक है, तो मैं बता नहीं सकता कितना मैं खुश अपने आप को और एक नए एंकरेजमेंट के साथ अपने आप को फील कर रहा हूँ। खैर, क्लासेज नहीं खुली है, अभी अनलॉक चल रहा है देश के अंदर। कोरोना पर जल्द ही हम लोग विजय हासिल कर लेंगे और वापस से हम लोग क्लासेस को इन्जॉय करेंगे। खैर, आज मैं आप लोगों के बीच एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है इफ, मतलब इंग्लिश का टॉपिक है और मैं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, टॉपिक है इंग्लिश का, टॉपिक का नाम है इफ। आप देखो इसका यूज कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो इफ जो है आपका, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, जो इफ है एक्चुअली इसको दो तरीका से देखना है आपने, ध्यान से देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ। आपके एसएससी का कोई भी एग्जाम दे, चाहे वो आप एमडीएस दो, एलडीसी दो, सीएचएसएल डी ओ का दे दो, आप सी पी ओ दो, आप स्टेनोग्राफी का दे दो, सी जी एल का दे दो, कोई भी एग्जाम, वहाँ इफ एकदम पकड़ बन रहे होंगे। तो इफ को हम लोग दो तरीका से देखेंगे आज क्लास में और पूरा पूरा समझेंगे इफ के बारे में, इफ क्या है। ठीक है, तो एस एस सी बैंक वगैरह सारे एग्जाम में आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसलिए इसका यूज बढ़ जाता है। इसका रेटिंग इसलिए भी बड़ा है, इसका दायरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसका जो डिमांड है क्वेश्चन बनाने में बहुत व्यापक है। तो इफ को हम आज पूरा देखेंगे टॉपिक वाइज नहीं, हर एक टॉपिक को मैं इसी में संजो के आपको एक साथ दिखा रहा हूँ। इफ को दो तरीका से दो जगह पढ़ने को मिलता है आपने को, एक को इफ मिलेगा तुमको पढ़ने के प्रोनाउन चेंज करने, ठीक है, और दूसरा मिलता है कंजंक्शन में। तो ना तो हमने प्रोनाउन पढ़ा ना तो कंजंक्शन पढ़ा, लेकिन अगर हमको थोड़ा सा बेसिक रूल पता है तो हम सब चीज को कवर अप कर लेंगे। समझिए इसको इतना बेहतरीन तरीका समझाऊंगा कि आज के बाद कभी भी आपको इफ पे कभी भी इफ जो टॉपिक आएगा, इफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो धड़ाक से बोलोगे कि हमको क्वेश्चन में बताया था और आप उसको वहां पर बना दोगे। ठीक है, तो देखिए इफ का मतलब क्या होता है, पहले समझिए। तो इफ का मतलब हो गया कास, यदि, जैसे मैं बोलता हूं यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो आज देश के अंदर स्कूल को मैं खोल दिया होता, कोचिंग व्यवस्था को खोल दिया होता विद सोशल डिस्टेंसिंग। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, लेकिन अगर मैं होता तब तो, और मैं तो हूं ही नहीं, अगर नहीं हूं तो मैं इफ के साथ बात को बोलता हूं। यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं राजा होता, तो ये सब एक काल्पनिक वाक्यों को दिखाता है, कल्पनाओं को दिखाता है जिसका वास्तविकताओं से कोई लेना देना नहीं है। गॉट इट? ठीक है, तो जैसे मैं सिंपल आपसे पूछता हूं, मैं सिंपली आपसे पूछूंगा, जैसे आई जो है सब्जेक्ट, आई के साथ हमको लगाना, तो आई वाज या फिर आई वर, तो आप बोलोगे सर आई वाज होता है। ही के साथ लगाना है ही वाज या ही वर, आप बोलोगे ही वाज होता है। मैं कहूंगा दे के साथ लगाओ, दे वाज या दे वर, आप बोलोगे वर होता है। इस तरीके से प्रोनाउन के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप कवर अप कर रखे होंगे और आपको पता होगा क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज लेकिन जब इफ लग जाता है इनके पहले, जब के ही इनके पहले इफ लग जाएगा तो पूरा पूरी कल्पना को दिखाता है और हर एक चीज चेंज हो जाता है और वास्तविकता से इसका जो है दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं रहता। ठीक है, तो इफ को हम दो तरीका से देखेंगे, नंबर एक प्रोनाउन के टॉपिक पे, नंबर टू कंजंक्शन के टॉपिक, और तीन चीज तीन डायग्राम आपको सिखाऊंगा, तीनों डायग्राम के तहत आप सारे क्वेश्चंस को बना लोगे आसानी से। कथन नंबर एक, इफ जब प्रोनाउन के रूप में वर्क करता है तब हम देखेंगे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तब उस समय होगा क्या, इफ, इफ रहेगा आपके बाद, अगर सब्जेक्ट लेता है, इफ के बाद कोई सब्जेक्ट आपको दिखे, इस पर मैं अभी जो आपका ये वीडियो के लास्ट में हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, करीब 40-50 क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। तो इफ के बाद एक सब्जेक्ट आएगा, एकदम बेसिक ध्यान रखना है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, दो कंडीशन होंगे, एक तो कंडीशन नंबर एक
और कंडीशन नंबर टू, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको जूम करके आपको दिखा सकते हैं। जाएगा ए सब्जेक्ट के बाद पहला यहां से स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर ये होता है कि वाज वेयर में हमेशा और हमेशा यहां वेयर का यूज करें, इफ सब्जेक्ट वर, ठीक है, और दूसरा है इफ सब्जेक्ट है, इफ आई वाज नहीं आई वर हो जाए, मतलब यहां कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट प्लुरल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा वर्ब जो होगा वह क्या होगा, वर और है ही। तो एफ सब्जेक्ट वर है, ठीक है, दोनों इसको एक है, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब सर कथन ये है कि वर होगा या हेड होगा ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, तो ये बताने के लिए पहले मैं बता दिया आपको एफ क्या है, ये कल्पना को दिखाता है, इमेजिनेशन को दिखाता है, ठीक है, एक कल्पना को दिखाता है। तो ये वर्ड होगा कि हेड, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट है वो कैसा है। अगर सब्जेक्ट जो है आपको एक सजीव के रूप में दिखा रहा है तो आप वर लगाओगे, अगर ऑब्जेक्ट जो है एक निर्जीव के रूप में दिखा रहा है तो आप क्या लगाओगे, हेड लगाओगे। मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, इफ आई, ठीक है, डॉट डॉट अ बॉय, If I dot dot a car, तो अगर आपके पास है if I a bird, यदि मैं होता, क्या होते, एक चिड़िया, तो जब चिड़िया की बात है, बात किसकी है, चिड़िया की, तो चिड़िया लिविंग है या नॉन लिविंग है, आप बोलोगे सर लिविंग है, अगर बात है कार की तो कार लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आप बोलोगे सर नॉन लिविंग। इसका मतलब ये हो गया यदि मैं होता चिड़िया सजीव तो यहां मैं लगाऊंगा वर, लेकिन यहां कार की बात हो रही है तो क्या लगाऊंगा मैं यहां पर, है। इसका मतलब मैं कार नहीं होता, मेरे पास कार होती, मैं पक्षी होता, तो इसका मतलब इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वाज अ किंग, इफ दे वर अ किंग, मतलब दे हो आई हो ही हो सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लुरल हो कोई मतलब नहीं, आप वर ही यूज करोगे, ठीक है। और यहां देखो हैड आएगा आपको कब, जब निर्जीव रहेगा तब, आप यहां पर कभी भी हैव का यूज नहीं करना, आप यहां पर कभी भी ध्यान देना है मैं कब कर रहा हूं, ये कंजंक्शन के रूप में नहीं है, प्रोनाउन के रूप में है, तब पता कैसे चलेगा कि ये प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है कि कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं इसका दूसरा टॉपिक आपको लगे दिखा, बोलो ये समझ में आ गया, इसको एकदम नोट कर लेना है क्योंकि इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा। If I were a bird, if I had a car, ठीक है? आप देखते हैं प्रोनाउन टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, लेकिन क्वेश्चन से फिर मैं लाऊंगा, ठीक है? अब यहाँ जो कंजंक्शन के रूप में जब दिख रहेगा तो सिर्फ एक ही नहीं, एक्चुअली एक कंजंक्शन जो है टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस, एक कंडीशन बयान करता है। एक मैं कंडीशन देता हूं, ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन है, एक कंडीशन, कंडीशन क्या है, यदि फ्यूचर में दो काम हो रहे हैं, कंडीशन नंबर एक, इसी पे सारा देश है, ठीक है, इसी पे एकदम हैशटैग स्टार इस्तेमाल लीजिएगा, स्टार भारत की पेशकश पे, कंडीशन दो हो, वो दोनों कहां हो, फ्यूचर में होगा, समझ लेना अच्छे से, यदि दो मैं फ्यूचर के प्लानिंग बता रहा हूं, दो काम, दोनों काम में डिपेंड क्या है कि जो दूसरा वाला काम है वह जस्ट पहले वाले काम पर टोटली निर्भर करता है, मतलब काम नंबर एक और एक दूसरा काम है, इसको हम बता रहे हैं डायग्राम बना रहे हैं, काम नंबर दो, काम समझ लो वर्क, तो वर्क वन और वर्क टू दोनों तो है फ्यूचर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फ्यूचर, दोनों काम फ्यूचर में हो रहे हैं, देख के आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर में हो रहा है, दोनों में ये कंडीशन है कि जो दूसरा वाला काम है वो किस पर निर्भर है, पहले काम पर निर्भर। देखो बार बार लिखने से कुछ नहीं होता है, बड़ा आराम समझ लो आपका हो जाएगा। अब इसको मैं समझाता हूँ, दूसरा काम पहले काम पर निर्भर हो और बात जो है कहाँ की हो, फ्यूचर की, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, तब तब समझना है वो कंडीशनल सेंटेंस हो जाए,
और वहां पे एफ भी आएगा, एफ के अलावा जो है आपका अनलेस आएगा, अंटिल आएगा, वहां हो सकता है आपका वेल, वाइल हो सकता है, प्रोवाइडेड हो सकता है, ठीक है। इस तरह के आपको कंडीशनल सेंटेंस जो पांच वाक्य हैं वो सब पांच वर्ड जो होते हैं वो सब आ जाएंगे आपको कंडीशनल वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। मार्कर चल नहीं रहा है यहाँ, हाँ देखिए बहुत दिन के बाद मार्कर चल रहा है, लेकिन देखो इसका अपना रौनक भी बताऊँ तो यही होता है। तो आप एकदम अच्छे से समझो इसको, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इफ एमएसडी, एमएसडी का मतलब महेंद्र सिंह धोनी, इफ एमएसडी, मैंने बोला क्या, यदि धोनी अच्छा खेलेंगे, मैं ये बोल रहा हूं, इफ एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी प्लेज वेल, ठीक है, इंडिया विल विन द मैच। ऐसा करो, इसको मैं सही क्वेश्चन पैड बना दूं, इफ एमएस धोनी विल प्ले। अब देखो जो हिंदी करने वाले हैं फ्यूचर में, बात फ्यूचर की हो रही, यदि महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे अच्छा, इंडिया जीतेगी मैच, ठीक है। इफ एमएस धोनी खेलेंगे अच्छा, इंडिया जीतेगी मैच, ठीक है। तो दो काम हो रहा है, एक तो इंडिया का मैच जीतेगा फ्यूचर में, और दूसरा कि धोनी अच्छा खेलेगा। दोनों काम में जो दूसरा काम है वो निर्भर है पहले काम पर, मतलब धोनी अच्छा खेलेगा तब इंडिया मैच जीतेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, यही आपका एरर खंडा है। तो इसको जब भी बनाओ ना, इसको जब भी बनाना है आपको, तो आपको ध्यान देना है जो दूसरा काम होगा, जो दूसरा वाला काम होगा वह होगा सिंपल फ्यूचर टेंस, लेकिन जो पहला वाला काम होगा वह होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट करेगा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये फ्यूचर टेंस का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इंडेफिनिट की बात करूं थोड़ी टेंस में, तो इंडेफिनिट क्या होता है, मैं यहां दिखा दूं, यहां कैमरा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं दिखा देता, कोई बात नहीं, यही दिखा देता, यहां देखो बात हो रही है इंडेफिनिट की, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस टेंस। तो जब प्रेजेंट की बात होती है, पास्ट की बात होती है, फ्यूचर, तीनों में आता है आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और अपने बाद वर्ब वन या वर्ब फाइव रहता है। आई ईट, आई डांस, आई प्ले, आई टीच, यू स्टडी, इसका मतलब क्या है, या तो वर्ब का पहला रूप या यस, ये सब्जेक्ट अंश, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वी फाइव लेगा, प्लुरल सब्जेक्ट है तो वी वन लेगा, क्योंकि वी वन प्लुरल वर्ब था, वी फाइव सिंगुलर। पास्ट की हम बात करें तो वह सब्जेक्ट ही रहेगा, इसके बाद क्या, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये जो भी वन भी टू भी फाइव है, ये बन जाएगा भी टू स्टैंड ले लेगा, अब फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आई एट, आई डांस, आई प्ले, ठीक है, मैं खेल चुका हूं, मैंने खेल लिया, ठीक है। और फ्यूचर की जब बात करते हैं तो सब्जेक्ट भी वन ही रहेगा, लेकिन विल या शैल के साथ रहेगा, प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंडेफिनिट की चर्चा होगी। खैर टेंस आगे वाला मैं वीडियो डालूंगा, टेंस वहां पे अच्छे से समझाऊंगा आपको, सिंपली अभी समझना है कि आपको ये ए स्ट्रक्चर याद रखिए। इसका मतलब ये हो गया सर कि कंडीशनल सेंटेंस जितने होते हैं वे सारे इफ हो या फिर किसी के साथ भी हो, ठीक है, इफ के साथ हो तो और अच्छी बात है, इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। इसका मतलब अगर ये रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर इस चीज को हमको रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहां से, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि पहला वाला काम है और ये दूसरा काम जो है ये रहेगा सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका मतलब ये कि यहां से एक बात क्लियर हो गया कि यदि दो काम फ्यूचर में हो रहे हो और दूसरा काम पहला काम जस्ट बाद दूसरा काम हो और दूसरा काम पहले काम पर निर्भर करे, तब पहला वाला काम जो होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, दूसरे वाले काम को फ्यूचर में रखते हैं, ना कि दोनों पर रख दीजिएगा फ्यूचर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट मतलब सब्जेक्ट के बाद वी वन या वी फाइव। महेंद्र सिंह धोनी क्या है, महेंद्र सिंह धोनी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ विल प्ले नहीं, सीधा करिए प्लेज, और आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
If MSW, if MSD plays well, India will win the match. Okay? तो जब कंजंक्शन में पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंस में इफ को, तो यहाँ तीन चीजें क्लियर करनी होती हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा जल्दी से, वीडियो को पॉज करके यहाँ नोट कर लेना, आपको ये नोट्स मेकिंग क्लास है आपका एक तरह से। अब देखो यहाँ पे मैं और एग्जांपल सेट करूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब इफ कंडीशन लेकर आए तो कंडीशनल ना आए, व्हेन इफ इन कंडीशनल सेंटेंस, तो यहाँ तीन चीज बनना है इफ के बारे में। नंबर एक, एक जो होगा वो प्रेजेंट में आएगा, प्रेजेंट टेंस में रहेगा। नंबर दो, इफ जो है वो पास्ट में रहेगा। और नंबर तीन, इफ जो होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट में होगा। प्रेजेंट पास्ट और पास्ट परफेक्ट बेसिक है, बचपन से सीख के आ रहा हूं, नहीं भी सीखे हो कोई बात नहीं, मैं यही दिखा दूंगा। स्ट्रक्चर याद रखिए, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा तो यहां देखिए, इस पोर्शन को जरा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना। एक नंबर, एक प्रेजेंट में रहेगा, नंबर दो इफ जो है वह कहां होगा पास्ट में होगा, नंबर तीन इफ जो ट्रेडिशनल सेंटेंस है ये होगा पास्ट परफेक्ट। इफ जब प्रेजेंट में होगा, इफ जब प्रेजेंट में होगा तो क्या स्ट्रक्चर मैंने बताया, ये प्रेजेंट टाइप वाला होगा, मतलब इफ रहेगा ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद क्या आएगा आपको V1 या V5 आएगा ठीक है, कॉमा ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद कॉमा आता है, और कॉमा के बाद क्या आएगा आपको वापस एक सब्जेक्ट आएगा, लेकिन इसके बाद आएगा विल प्लस विल के बाद क्रिया का प्रयोग होती है, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर आपका ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी पे बेस्ट मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया ठीक है, एफ 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 ठीक है, चलो मैंने इसे धोनी वाला ले लेता हूं ठीक है। एफ एमएसडी मेरा फेवरेट है, एफ एमएसडी प्लेज वेल ठीक है, इंडिया will win the match, clear यहां तक। तो ये आपका एक साथ एग्जांपल हो गया प्रेजेंट टाइप इफ का, इफ इन प्रेजेंट टेंस, इफ इन प्रेजेंट टेंस, तो इफ एमेजोनी प्लेस वेल, यहां प्लेस करना होगा आपको, हमेशा याद रखिएगा इंडिया विल विन द मैच, मतलब विल देखकर आप बताओगे, विल को देखकर आप बताओगे कि यहां पर आपका प्ले होगा, यहां पर आपका क्या होगा ले जो। इसी प्रकार से यहां अब मैं इसी स्ट्रक्चर को क्या करूंगा, वेरीफाई करूंगा, मॉडिफाई करूंगा पास्ट में, इसको मैं पास्ट में मॉडिफाई करता हूं, इफ अपने स्थान पर बना रहे, इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो आएगा आएगा अपने यहां, लेकिन यहां जो V1 और V5 था, V1 और V5 था ठीक है, सीधे V2 हो जाएगा, पास्ट है, आई एट, आई डांस, I played, I worked, if I worked hard, मतलब इसके बाद कॉमा ऑब्जेक्ट आएगा, वापस एक सब्जेक्ट आएगा ठीक है, विल जो है वह क्या बोल जाएगा, विल का पास्ट होता है would, विल अपने स्थान पर would को ले लेगा ओके, तो if सब्जेक्ट V2 सब्जेक्ट would, would के बाद फिर आएगा क्रिया का पहला रूप, मतलब ये सो सिंपल। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान समझिएगा यहां से बात, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, पहले मैं एग्जांपल सेट करूं, सेम एग्जांपल मैं सेट करूंगा, इफ एमएसडी प्लेज नहीं, अब क्या होगा प्लेड, इंडिया विल नहीं वुड विन द मैच। अब देखो इन दोनों में वाक्य में अंतर क्या है, यहां पर फ्यूचर की हम प्लानिंग कर रहे हैं, एक महेंद्र सिंह धोनी प्लेज वेल, यदि धोनी साहब अच्छा खेलते खेलेंगे इंडिया पक्का मैच जीत जाएगी, मतलब इंडिया मैच जीत जाएगी, सियोरली लगा दो पक्का जीत जाए, लेकिन इस वाले बात को समझिएगा, एक महेंद्र सिंह धोनी प्लेड वेल, यदि धोनी ने अच्छा खेला होता, धोनी प्लेड वेल, धोनी खेलते अच्छा, इंडिया जीत गई होती मैच,
इसका मतलब क्या है, जब इफ पास्ट में रहेगा वो नेगेटिव साउंड करता है। वो कैसा साउंड करता है? नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया, इसको जरा सुना मिटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए, ठीक है, और इसको समझाता हूँ। इस वाली लाइन का मतलब क्या हो गया, इफ महेंद्र सिंह धोनी प्लेड वेल, इसका मतलब हो गया एक नेगेटिव साउंड है। कैसा है? नेगेटिव, मतलब श्योरली महेंद्र सिंह धोनी जो है डिड नॉट प्ले वेल, मतलब धोनी ने अच्छा नहीं खेला। जैसे मैं बोलता हूं इफ आई हैड मनी, मैंने बोला इफ आई हैड मनी, ठीक है, यदि मेरे पास पैसा होता, ठीक है, तो यहां कहूंगा आई वुड बाय इट, तो मैं इसे खरीद लेता। इसका मतलब ये खरीदने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, और मेरे पास आई हैड मनी का मतलब आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं। ओके, आरी बात समझ, मतलब जब कभी एक इन पास्ट टेंस रहेगा तो एक के साथ वाला जो कॉलम होगा वो एक नेगेटिव साउंड करता है, इस बात का हमेशा से और हमेशा से आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो तीसरा आता है इफ इन पास्ट परफेक्ट टेंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो वही इसी को मॉडिफाई मैं करूंगा आगे। जब मॉडिफाई करने जाऊंगा तो क्या बनेगा मेरा, इफ तो रहेगा अपने स्थान पर, ठीक है, इफ अपने स्थान पर बना रहेगा, इफ के बाद आएगा आपका एक सब्जेक्ट, इफ के बाद क्या आएगा आपका एक सब्जेक्ट, लेकिन जो भी टू है वो बनेगा भी थ्री, वो क्या बनेगा भी थ्री, लेकिन कभी भी थ्री अकेले तो आता नहीं है, जब परफेक्ट की बात हो रही है तो यहां पर आप क्या लगाना है, हैड प्लस ये एक हैड प्लस भी थ्री, क्योंकि हैव कर दो नहीं, हैव कर दो तो पास्ट नहीं है, कभी भी यहाँ हैव प्लस भीतरी नहीं, आपको हैड प्लस भीतरी कर सकते, ठीक है, तो भीतरी कॉमा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट फिर से आएगा, और सब्जेक्ट आने के बाद क्या लेगा आपके पास, यहाँ वुड था ना, तो यहाँ लेगा वुड हैव, वुड के बाद सीधे भी बनता है, यहाँ वुड हैव प्लस भीतरी, ये लेते हैं स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर, तीनों आपको याद रखना, एक सब्जेक्ट भी वन सब्जेक्ट विल भी वन, एक सब्जेक्ट भी टू सब्जेक्ट वुड भी वन, एक सब्जेक्ट हैड भीतरी, तो वहां पर आ गया है क्या, सब्जेक्ट वुड हैड भीतरी। ओके, तो ये समझना, ये वुड हैव को देखकर याद रखिएगा, ये बातें बार बार आएंगी, जैसे इसी को मैं लिखता हूं, मैंने आपसे एक और एग्जाम्पल लिया, एक कोई एग्जाम्पल आपसे कर सकता हूं, ठीक है, एक If MSD had played well, ठीक है, India would have won the match, ठीक है, इसका मतलब ये कल्पना में चले, इंडिया मैच जीत भी होती यदि वह खेल रहे होते अच्छा, आई बात समझ, तो इस प्रकार से आप तीनों को देख पाओगे। जब भी आप इसका टेक्निक क्या है, ये तो हो गया आपका एक नोट्स लिखी, लेकिन सुपर टेक्निक मैं आपको सिखाता हूं, सुपर टेक्निक क्या है वो सीखिए, यहां मैं सिखाता हूं आपको सुपर टेक्निक, ये आपके आश्रम का कॉन्सेप्ट से निकला है सुपर टेक्निक, इसको हमेशा याद रखिए, सुपर, ये सुपर सभी ऊपर है, वो क्या है, वो ये है, इफ के बाद इफ के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद विल ओड सैल शुड कैन कुड इत्यादि मॉडल वर्ब नहीं लगे, इसके तुरंत बाद नहीं लगे, ये हो गया पहला। दूसरा ये है, ये पूरा कंजंक्शन मिला होता है, दूसरा वाला ये नोट सेवन सुपर नोट, पहला तो ये इसके बाद तुरंत नहीं लगाना, जब भी देखो वैसे इधर मार के चलवा है आपका, हो गया क्वेश्चन आपका। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कभी भी पहला तो कोई भी कंजंक्शनल सेंटेंस में यदि यदि किसी भी वाक्य में दो बार सेम मॉडल का प्रयोग हो, दो बार मतलब सेम मॉडल,
का प्रयोग हो। तो क्या करना है अपने को, कंजंक्शन वाले पार्ट से एक मॉडल को हटा देते हैं। जैसे इसी को मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ऐसा रहा क्वेश्चन, इफ आई वुड हैव वर्क्ड हार्ड आई वुड हैव पास द एग्जाम, पास द एग्जाम। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आए। अब देखना क्या आपको, ये देखना है पहला सुपर टेक्निक, इसको बनाने का हर तरीका मैं समझाता हूँ। पहली बात सर, यहाँ उड़ैब मैंने देखा तो उड़ैब है तो मुझे स्ट्रक्चर याद है तो बहुत अच्छी बात है कि वहां सर हेड प्लस बी3 होगा। इसका मतलब उड़ैब वर्ब नहीं, ये गलत हो गया सर। यहाँ क्या होना चाहिए था, आई हैड, ठीक है। ये मैंने इस पास्ट परफेक्ट से सीखी, उड़ैब को देख के मैंने समझा पास्ट परफेक्ट। सिर्फ उड़ होता तो मैं कहता पास्ट, विल होता तो मैं कहता कुछ, पीछे वाले को देख के आगे को करना। तो ये सीधा नहीं आती। दूसरी गलती, पहली बात तो ये बाय स्ट्रक्चर, दूसरी चीज बाय कॉन्सेप्ट और ट्रिक टेक्निक। एक के तुरंत बाद उड़ का प्रयोग नहीं होता, हटा दीजिए सर। तीसरी बात, यदि दो एक वाक्य में दो बार सेम मॉडल का प्रयोग हो, देखो तो जरा उड़ैब 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 दो बार प्रयोग हो गया, इसका मतलब इसमें से एक जो है वो हटेगा। और कौन हटेगा, जो कंडेंसर वाले पार्ट में होगा, तो कंडेंसर वाला पार्ट यहां से यहां तक, इसको हटा दीजिए सर। ये नहीं होगा, होगा क्या ये मुझे नहीं पता है, होगा क्या ये नहीं पता। अगर इस चीज को जानना चाहते हैं तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना होगा, यहाँ है। लेकिन एग्जाम में अगर बैठे हो तो कौन पूछने जा रहा है, तुमसे कंप्यूटर पूछता है क्या कि बी लगाए हो तो कैसे लगाए, ए लगाए हो तो कैसे लगाए, नहीं पूछता है। और वियता वही है जो जॉब लेता है। आपके समाज हर जगह पे आप ये चीज देख लो, जो जीता वही सिकंदर, नहीं जो जीता वही सिकंदर है, जो जीता वही आपका पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इस तरीके से वहां हम लोग पढ़ने आते हैं। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट था एफ का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर तो बात तो वही है कि आप अपना प्रोत्साहन मुझे देते रहिए और मेरे उम्मीद को बढ़ाए रखिए, मेरे अंदर एक इंथुइज्म को पैदा करिए, ताकि मैं आपके अंदर एक इंथुइज्म को डाल सकूं, क्योंकि भगवान जिस तरीके से बिना भक्त का अधूरा है। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा इस चीज को, ओके। आपका ये चैनल है खुद का, ओके। तो मैं इसका जो है अभी मैं क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ, ओके। जस्ट पॉज द वीडियो।